वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबको कुछ समझे सर सोनो जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज के क्लास में मैं आप लोगों को क्लास टेंथ के फिजिक्स का मैं प्रकाश का परावर्तन का आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं और ये भारतीय भवन की किताब से मैं बता रहा हूं। और पहला क्वेश्चन है, आप देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उसके बाद कह रहा है एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा ये बताएं। तो आप लोग ध्यान रखिए, ये सब सूत्र जानते ही होंगे। दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, f = r/2 होता है, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। m = आवर्धन, आवर्धन का सूत्र होता है v/u - या h / h, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की ऊंचाई। तो देखो एक अवतल दर्पण है, तो देखो एक अवतल दर्पण ले लीजिए, देखो एक अवतल दर्पण ले लीजिए, ठीक ना, एक अवतल दर्पण ले लीजिए, ठीक। अब देख बाबू कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्रुव से ही किसी वस्तु की दूरी या किसी निकट के ध्रुव हो गया आपका, इसकी फोकस दूरी यहां पे देखिए f, ये कितनी है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब फोकस दूरी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। अब कहता है एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से, यानी ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्या मान लीजिए कि तीसरे यहां वस्तु है, यहां से यहां तक की दूरी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए दर्पण के आगे आएगा, याद रखिएगा वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं, u बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, लेकिन चिन्ह परिपाटी के हिसाब से -20 सेंटीमीटर करेंगे, -20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है, देखिए यानी यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी, फोकस दूरी को f से सूचित किया जाता है, f बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका मतलब ये माइनस में होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार से, क्योंकि ध्यान दीजिए ना, देखिए यदि ऐसे रहेगा यहां पे रहता है, ठीक है ना, ये चिन्ह परिपाटी, तो आप लोग सभी जानते होंगे कि x का मान इधर प्लस में होता है और x का मान इधर क्या होता है माइनस में होता है, तो इधर जितना भी लेंगे सब माइनस में लेंगे और इधर जो भी जितना भी होगा क्या होगा प्लस में होगा, तो दर्पण के यदि पीछे रहेगा तो वो प्लस में होगा। ऐसे भी वस्तु की दूरी चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो उसका मान ऋणात्मक लेंगे, और यदि अवतल दर्पण हो तो उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी ऋणात्मक होगी, याद रखिएगा उत्तल में जो है वो धनात्मक होती है फोकस दूरी, अवतल में ऋणात्मक होती है फोकस दूरी, और वस्तु की दूरी अवतल हो या उत्तल ऋणात्मक होगी, समझे कि नहीं। प्रतिबिंब की दूरी भले प्लस माइनस अवतल में हो सकता है, समझे कि नहीं। तो अब यहां पर देखिए ये हो गया, तो कहता है क्या प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बताएं, तो दर्पण के सूत्र से, देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, दर्पण के सूत्र से आप लोग को मैं लिख चुका हूं, दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो अब देखा जाए 1/v मैंने प्रतिबिंब होता है करके प्लस 1/u का मान कितना है -30 सेंटीमीटर। अब देखिए बाबू बराबर 1/f, f का वैल्यू कितना है -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर का, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/v, अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा -1/30 सेंटीमीटर, अब बराबर की माइनस हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। अब देखा जाए बाबू ये देखिए 1/v इक्वल टू ये माइनस में उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/30 सेंटीमीटर, अब देखिए तो माइनस में है माइनस में 1/20 सेंटीमीटर। अब देखा जाए ध्यान दीजिएगा, देखिए 1/v = अब 30 और 20 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 30 और 20 का एलसीएम 60, 30 और 20 का कितना एलसीएम होगा 60 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब देखो 30 से 2 में 60 दूनी 2 हो जाएगा माइनस 20 या 60 यानी कितना घटेगा, तो अब देखो 1/v बराबर 2 में से 3 घटेगा कितना बचेगा -1/60 सेंटीमीटर। अब देखो बाबू ये एक और एक तो कट जाएगा लेकिन भी बराबर क्या हो गया -60 सेंटीमीटर। तो ये देखो प्रतिबिंब क्या है, माइनस नेगेटिव आया, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के आगे ही बनेगा और प्रतिबिंब क्या होगा वास्तविक होगा, प्रतिबिंब क्या होगा वास्तविक होगा, इसलिए यहां पर लिख देंगे प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के आगे वास्तविक
वास्तविक बनेगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, समझे कि नहीं। दर्पण क्या है इसका मतलब 60 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया प्रतिबिंब का। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपका प्रकाश का परावर्तन का क्लास 10th फिजिक्स है, 10th फिजिक्स ठीक ना, 10th है आपकी वर्ग की किताब से ठीक ना। अगर किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। देखो यानी एक अवतल दर्पण ले लो, तो एक अवतल दर्पण ले लिया ठीक है। अब देखो ध्यान देना सभी स्टूडेंट ध्यान देना, अब कहता है क्या किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का, यानी वस्तु तो दर्पण क्या करेगा, मान लो कि यहां से यहां तक की दूरी 30 सेंटीमीटर वस्तु यहां पर है ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी यहां बनना, दर्पण के पीछे यहां यानी इधर 40 सेंटीमीटर, याद रखना दर्पण के पीछे बनेगा तो वो सब प्लस में होगा और दर्पण के आगे बनेगा तो सब माइनस में होगा, तो 40 सेंटीमीटर। तो अब देखो साफ है कि वस्तु की जो दूरी होती है यू से सूचित किया जाता है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक सूचित किया जाता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार से, तो यू बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर, भी यानी प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है प्लस में होगा यानी 40 सेंटीमीटर वो माइनस में होगा। तो कहता है फोकस दूरी ज्ञात करो यानी एफ बराबर वाट, यानी एफ बराबर वाट एफ निकालने वाला है। तो दर्पण के सूत्र से हम जानते हैं कि दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। अब देखो 1/v, भी का मान कितना है 40 सेंटीमीटर प्लस 1/u, u का मान कितना है देखो -30 सेंटीमीटर = 1/f, ये f का थी। अब देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/40 सेंटीमीटर प्लस माइनस माइनस 1/30 सेंटीमीटर = 1/f। अब देख बाबू ध्यान देना, ये देखो 40 और 30 का एलसीएम ले लो, 40 और 30 का एलसीएम जो होगा ध्यान देना 40 + 120 = 120 सेंटीमीटर। अब देखो 40 + 120 तो ये 3 हो जाएगा और 30 + 120 यानी 4, अब बराबर कितना हो गया 1/f। अब देख बाबू 40 और 30 का एलसीएम लेकर के हम लिख रहे हैं, अब देखो 3 में से 4 घटेगा क्या बचेगा -1/120 सेंटीमीटर, बराबर क्या हो गया 1/f। अब ये 1 और 1 कट गया तो f बराबर क्या हो गया, ये 120 सेंटीमीटर, चूंकि हम माइनस है तो माइनस दे देते हैं यहाँ पे, चूंकि दर्पण क्या है अवतल, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक, क्योंकि अवतल दर्पण में यानी उसकी फोकस जो होती है दर्पण के आगे होती है, याद रखिएगा, इसलिए ये माइनस में आया। अतः फोकस दूरी जो हुई, फोकस दूरी जो हुई 120 सेंटीमीटर। आप लोगों को समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए मैं तीसरा नंबर आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण क्या है अवतल, उसकी फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, यानी एफ बराबर 15 सेंटीमीटर ठीक। अब देखिएगा ध्यान दीजिए, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका मतलब यू बराबर तो हो गया 25 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी, चूंकि वस्तु की दूरी तो ऋणात्मक हो चाहे उत्तर हो या अवतल, 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, इसका मतलब h बराबर जो है वस्तु की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर h ठीक ना रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा यानी v बराबर वाट प्रतिबिंब बनेगा, और कहता है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह उल्टा होगा या सीधा, यानी h डैश बराबर वाट और उल्टा होगा या सीधा ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दे बाबू, सबसे पहले दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण के सूत्र से हम जानते हैं क्या, दर्पण के सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f, ये दर्पण का सूत्र है जहां v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है और f जो है फोकस दूरी है। तो अब देखो बाबू 1/v, तो इसमें v का मान तो हमको निकालना है, v तो दिया नहीं है, प्लस 1/u, u का मान कितना है 25, तो -25 सेंटीमीटर = 1/f, f का वैल्यू कितना देखो 15, चूंकि दर्पण अवतल से माइनस नहीं होगा तो -15 सेंटीमीटर, समझे कि नहीं। अब देखो बाबू ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1/v
ये को प्लस और माइनस का जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा ना एक स्टेप, अब ये माइनस का वो उधर चला जाएगा, तो 1/3 = 1/25 सेंटीमीटर, ये माइनस में था प्लस में चला गया, अब देखो ये तो माइनस में होगा, प्लस माइनस माइनस 1/15 सेंटीमीटर। अब यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अब देखो 1/V = अब इसका एलसीएम लो, 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा 75 सेंटीमीटर, 25 या 75 तीन हो गया, अब देखो 15 पचे 75 पांच हो गया, अब यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1/V = 3 - 5 कितना हो गया -2/75 हो गया सेंटीमीटर, तो अब देखो 37.5 यानी 37.5 बार में कटेगा, 37 × 74 = 5 = 10 1 × 11 = 75 हो गया। तो अब देखो प्रतिबिंब की जो दूरी हो गई भी बराबर जो हो गई 37.5 सेंटीमीटर, अब देखो ये माइनस में है ये माइनस कर दिए, तो अब देखो प्रतिबिंब की दूरी निकला दर्पण से यानी 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर निकलेगी, और ये बात पता चलेगा कि ये वास्तविक हुआ क्योंकि इसका मान जो है निगेटिव आया, यदि ये प्लस में आता तब तो ये काल्पनिक हो जाता। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब प्रतिबिंब 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी और वास्तविक प्रतिबिंब होगी, वास्तविक प्रतिबिंब होगी। चलिए एक तो आंसर आ गया, चलिए अब दूसरा इसमें क्या कह रहा है देखेंगे, अब देखिए क्या कहता है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी, इसका प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह उल्टा होगा या सीधा, सीधा अब यानी एच रेस्ट का मान निकालने का था। अब देखिए आवर्धन बराबर इसको एम से सूचित किया जाता है, -V/U होता है, आवर्धन बराबर होता है -V/U होता है, और देखिए ध्यान दीजिएगा एक चीज होता है और एक आवर्तन बराबर होता है m बराबर एच डैश बटी एच, प्रतिबिंब का तो हमको आकार निकालना है, इसका मतलब एच डैश का आकार निकालना है, हमको आकार भी निकालने का है ना, तो आप देख पाओ इसलिए ये इसका भी मान m है, इसका भी मान m, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा यानी m बराबर m हो जाएगा। अब देखो बाबू इस m का मान कितना है, इस m का मान है -V/U, इस m का मान कितना है -V/U, और बराबर इस m का मान कितना है एच डैश बटी एच ना, अब देख पाओ ध्यान देना v का मान कितना निकला है 37.5, तो देखो यहाँ माइनस में है तो -37.5 दिखाई दे रही है ना, अब बटी u, तो u का मान देखो कितना है, u का मान देखो ये माइनस तो एक फॉर्मूला वाला रहता है और एक माइनस इसका हो जाएगा, u का मान कितना है, वस्तु की दूरी कितना है देखो -25, तो -25 हो गया सेंटीमीटर। अब बराबर क्या है एच डैश टू एच, तो एच डैश देखो एच डैश का जो मान है वो कुछ भी नहीं है, निकालना है हमको एच डैश का मान निकालना है बटे एच, तो एच का मान कितना दिया है प्रतिबिंब देखो वो दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। अब देखो बाबू ध्यान देना ये और ये कट जाएगा, माइनस और माइनस कट गया, तो अब यहाँ पे देखो बाबू ध्यान देना -300 देखो यहाँ पर हो गया 37.5 बटे क्या हो गया 25 सेंटीमीटर, अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी काट दो ये हट जाएगा, बराबर में क्या है देखो एच डैश बटे 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो 25 अब इसको कहते 50 से 25 15 375 होगा, 375 1.5 बार में कट जाएगा, 25 5 हो गया 25 1 25 और 25 बार से निश्चित है, तो हो गया 1.5 यानी बाबू -1.5 बराबर एच डैश बटे 4 सेंटीमीटर। अब देखो 4 को 1.5 से गुणा कर 4 × 6 = 15 × 7 = 36 तो एच डैश बराबर हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। अब देखो यदि माइनस में आ जाएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा उल्टा, ऐसे भी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब जो उल्टा होता है, इसलिए एच डैश बराबर क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब का जो आकार होगा
प्रतिबिंब का आकार 6 सेंटीमीटर का होगा, 6 सेंटीमीटर का उल्टा होगा, उल्टा होगा क्योंकि माइनस में आ गया, समझे। अर्थात एक आंसर हो गया 37.5 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी और एक हो गया प्रतिबिंब का आकार 6 सेंटीमीटर। तो बोलिए कोई दिक्कत है इसमें। चलिए देखिए प्रकाश के परावर्तन का ये 4th नंबर का क्वेश्चन फिजिक्स का है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। इसका मतलब एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब u बराबर कितना हो गया -20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी कितनी है। अब कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, इसका मतलब h बराबर 2 सेंटीमीटर। अब दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब कह रहा है कि भी बराबर वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि दर्पण के आगे बन रहा है, समझे। इसका मतलब ऋणात्मक होगा यानी -40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कहता है क्या, तो बनता है तो दर्पण से फोकस दूरी यानी एफ निकालने करता है, एफ और क्या निकालने करता है प्रतिबिंब का आकार यानी एच डैश, ये दोनों बराबर होगा क्या होगा निकालना। तो सबसे पहले बाबू ये दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से देख बाबू क्या कहता है। हम जानते हैं दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। अब देखो 1/v तो v का मान तो इसमें कितना है -40, प्रतिबिंब की दूरी है -40। अब देखो बाबू प्लस क्या 1/u, u का मान कितना है -20, तो -20 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1/f। अब देखो बाबू ये माइनस के ऊपर ये माइनस क्या होगा, ये ऊपर ले जा सकते हैं यहाँ पे भी ले जा सकते हैं। अब ये को प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ पे माइनस ले ले। अब देखो 40 और 20 का एलसीएम कितना होगा 40, दिखाई दे रही है बाबू। अब देखो 40 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। अब देखो 40 से कम 40 एक हो जाएगा, तो एक गुना एक तो माइनस एक। अब देखो 20 दूनी 40 यानी माइनस 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। अब देख बाबू 1/f, अब यहाँ देखो दिखाई दे रही है 2 × 1 = 3 -3/40 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया 1/f। अब देखो ध्यान रखना सभी स्टूडेंट, तृतीया 39, फिर देखो तीन किया 1303 चलते रहेगा, इसका मतलब f बराबर देखो f बराबर हो गया फोकस दूरी बराबर ये माइनस हो गया 13.3 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण अवतल है तो वो निगेटिव फोकस दूरी होगी इसलिए ये हो गया। अतः अतः फोकस दूरी 13.3 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है 13.3 सेंटीमीटर। अब देख अगला क्या कहता है, अगला कहता है क्या देखो बाबू, अगला कहता है कि इसका प्रतिबिंब का आकार भी निकालेंगे एच डेस्ट, तो m बराबर m को कहते हैं आवर्धन, तो m बराबर होता है एच डेस्ट बटे एच और m बराबर होता है -v/u, इसका मतलब ये दोनों तो आवर्धन ही है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर यानी एच डेस्ट बटे एच बराबर -v/u। अब यहाँ देखो एच डेस्ट का मान निकालना है, एच डेस्ट बटे एच, एच का मान कितना है 2 सेंटीमीटर का बराबर क्या होता है -v/u, तो v का मान कितना है प्रतिबिंब की दूरी कितनी है -40, तो -40 कर दो। अब बटे u, u का मान कितना है देखो -20 कर दो -20 सेंटीमीटर। अब देखो ये माइनस माइनस कट गया, अब देखो 20 × 40 कट जाएगा कहीं। अब ये देखो यहाँ पर क्या हो गया दिखाई दे रहा है बाबू, देखो एच डैश बटे 2 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर बच गया -2, क्योंकि यहाँ पर 2 बचा। अब देखो 2 × 2 ये 2 जो है इसके साथ में हो जाएगा 2 × 2 = 4 यानी एच डैश बराबर 4 सेंटीमीटर, माइनस में आया, तो माइनस में आता है इसका मतलब वो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, समझे क्या, इसलिए हम कह सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा यानी प्रतिबिंब जो है आकार यानी प्रतिबिंब का आकार 4 सेंटीमीटर होगा और प्रतिबिंब उल्टा होगा क्योंकि यह माइनस में आया है, तो समझ गया हमें। चलिए अब अगला देखेंगे, देखो कहता है एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बिंब रखी गई है, इसका मतलब वस्तु की ऊंचाई कितनी हो गई यानी u बराबर 32 सेंटीमीटर। अब देखो बिंब की जो ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब h बराबर 2 सेंटीमीटर। अब कहता है क्या, प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उसका आकार कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब h डैश बराबर 3 सेंटीमीटर, उसका आकार कितना है 3 सेंटीमीटर,
समझ में आ रहा है? वास्तविकता उल्टा जब भी हो जाएगा तो यहाँ माइनस कर सकते हैं, समझे कि नहीं? यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि उल्टा पड़ रहा है। अब देखो दर्पण की फोकस दूरी, इसका मतलब एफ बराबर वाट और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी वी बराबर वाट। अवधिपम हम आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन बराबर हम जानते हैं, आवर्धन बराबर आवर्धन को m से सूत्र किया जाता है माइनस v बटे u। अवधिपम तो m बराबर v बटे u, v का मान कितना है और m बराबर एक होता है h डैश बटे h होता है, h डैश बटे h होता है, ये भी आवर्धन है और ये भी आवर्धन है, दिखाई दे रहा है? इसका मतलब m बराबर m कर सकते हैं यानी माइनस v बटे u बराबर H दश बटे H कर सकते हैं। अब दीपम तो V का जो मान है, V का मान कितना है? कुछ नहीं है तो V का मान दे दिया यहाँ पे माइनस। अब U का मान, U का मान कितना है? 32 माइनस 32 कर दिया बराबर H दश। H दश का मान कितना है? देखो H दश का मान कितना है? माइनस 3 तो माइनस 3 कर दिया सेंटीमीटर। अब बटे H, H का मान कितना है? तो H का मान देखो कितना है? तो सेंटीमीटर कर दिया। अब ये सेंटीमीटर बन जाएंगे तो सेंटीमीटर होगा। अब देखो ये जो है इसके साथ गुणा होता है 32 या 96 तो माइनस भी बराबर। अब देखो ये माइनस और माइनस कर जाए, ये माइनस और माइनस कर देगा तो ये केवल माइनस यहाँ बराबर आ जाएगा। तो देखो 32 या 96, 96 बटे 2 यहाँ हो गया कि नहीं? सेंटीमीटर। तो देखो 48 दूनी 96 तो भी बराबर कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर। और ये माइनस यहाँ हो रहा है, माइनस कर दिए। अब देखो ये प्रतिबिंब की दूरी जो हो गई, प्रतिबिंब की दूरी ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की दूरी 48 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है? तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी तो फोकस, प्रतिबिंब की दूरी 48 सेंटीमीटर। अब कहता है फोकस दूरी क्या करें? तो दर्पण के सूत्र से, देखो दर्पण के सूत्र से क्या होता है बाबू? दर्पण के सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f। तो देख बाबू 1/v, तो v का मान कितना है? माइनस 48 सेंटीमीटर। जोड़ 1/u, तो u का मान कितना है बाबू? 32 यानी -32 हुआ, समझे कि नहीं? -32 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो बाबू ध्यान देना यानी ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस कर देते हैं, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस यहाँ कर देते हैं। 48 और 32 का एलसीएम बराबर में क्या है? 1/f। 48 और 32 का एलसीएम 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 96। अब देखो बाबू यहाँ 48 दूनी 96, यहाँ पे हो जाएगा -2 क्योंकि 1 × 2 करेंगे 2। अब 32 या 96 3 -3 हो गया बराबर 1/f। अब देखो 3 × 2 = 5 यानी -5/96 बराबर कितना हो गया? 1/f। अब देखो 19 × 5 = 95, अब फिर देखो 5 × 10 यानी हो गया, देखो बाबू f बराबर 19.2। देखो माइनस में है तो माइनस कर दो सेंटीमीटर, चूंकि माइनस में लिखते नहीं है इसलिए फोकस दूरी जो हो गई, फोकस दूरी 19.2 सेंटीमीटर आंसर। अर्थात प्रतिबिंब की दूरी 48 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 19.2 सेंटीमीटर। तो आपको 5 नंबर तक आज का क्वेश्चन बता दिए, मुझे जरूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा, कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक अवश्य करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स।